गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड मॉर्निंग है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी कोई डेली के 10 वर्ड याद करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, वो भी ट्रिक के अनुसार। और ये जितने सारे वर्ड होते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं। तो चलिए, आज का वर्ड क्या है, चलिए आते हैं, आज का वर्ड क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट आपका वर्ड जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड आपका जो है, जैसे फ्यूटिलिटी। क्या फर्स्ट वर्ड आपका फ्यूटिलिटी है। और फ्यूटिलिटी का बात करेंगे दोस्तों, फ्यूटिलिटी फ्यूटिलिटी मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका व्यर्थ यूजलेस जिसको बोलते हैं फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी जैसे हम बोल सकते हैं दोस्तों, जो जो भी घर में फूटी हुई चीजें होते हैं, चीजें होते हैं, वस्तु होते हैं, वो क्या फूटी हुई चीजें कभी हम लोग यूजलेस मीन्स यूज कर सकते हैं? नहीं, वो यूजलेस होते हैं, बेकार का पड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम फ्यूटिलिटी। तो आज का ट्रिक है मीन्स फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी फूटी चीजें, फूटी चीजें फ्यूटिलिटी होते हैं, मीन्स फूटी हुई चीजें फ्यूटिलिटी मीन्स यूजलेस होते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है अले। अले पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, अले का मतलब होता है शांत करना, शांत। तो अले अले तो अले जो है क्या है, शांत करना। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ आज मीन्स ट्रिक है, अले बेटा मिल्क पी ले, शांत हो जा। मीन्स एक बच्चा, मम्मी एक बच्चा जो है बहुत बहुत मीन्स तंग कर रहा है, बहुत रो रहा है, छोटा बच्चा, वो रोता बहुत है, और उसको मम्मी बोलती है कि बेटा अले बेटा दूध पी ले, आप आले हो जाएंगे, मिस आले हो जाओ, चुप हो जाओ। इस तरह से इस तरह से हम आले को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोमोशन। कोमोशन के बात करेंगे दोस्तों, कोमोशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसका मीनिंग है हलचल होना। हलचल मीन्स हल्ला गुल्ला होना, हलचल होना, और विद्रोह होना, विद्रोह होना। तो क्या होता है इसको, हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या है, जॉब लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ कमीशन देते हैं, बोलता है कमीशन चाहिए तभी आपका हो सकता है। तो इस तरह से उसको कमीशन दिया जाता है और वो लिया जाता है। तो इस तरह से जो जो कमीशन देने वाले नहीं रहते, वो सब हलचल करना चालू करते हैं। तो चलिए आते देखते हैं, कमीशन 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 नहीं दिया तो कमीशन नहीं दिया तो कमोशन शुरू कर दिया, मीन्स कमोशन करना चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया कि हम कमीशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इतना मेरे पास टैलेंट है, आप घूस क्यों देंगे। इस तरह से विद्रोह स्टूडेंट कर देते हैं और हलचल मचा देते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हैं, सिलेंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, मीनिंग क्रिटिसाइज करना, मीन्स निंदा करना। मिस हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करते हैं कि उसका मिस उसका निंदा करते हैं, उसका बिहेवियर पर या किसी वर्क पर किसी में हम लोग क्रिटिसाइज करके इस तरह से बोलते हैं, मिस खराब बातें बोलते हैं, खराब चीजें बोलते हैं कि वो इसका ऐसा नहीं हो है, उसका ये नहीं, इस तरह से हम लोग क्रिटिसाइज करके करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट हो गया क्या, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मीन्स गांव गांव में बहुत सारे को सिलेंडर मिल गया, लेकिन उसी का बगल का जो है उसको नहीं मिला, तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मेरा गवर्नमेंट क्यों नहीं दिया, किस कारण से ये है वो है, गवर्नमेंट मेरे लिए ये है। इस तरह से आप क्रिटिसाइज करके मीन्स उसको क्रिटिसाइज करना ही उसको बोलते हैं सिलेंडर। बात करेंगे यहाँ इसका ट्रिक है, सिलेंडर 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 नहीं मिला तो गवर्नमेंट को सिलेंडर करने लगा लोग, क्या करने लगा, लोगों सिलेंडर करने लगा, मीन्स सिलेंडर करने लगा, मीन्स क्रिटिसाइज करने लगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबडिकेट। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसका मीनिंग है त्यागना, मीनिंग गिव अप करना, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, आप सभी मैथ कोई पढ़ते होंगे, मैथ तो सभी कोई पढ़ते होंगे, या किसी भी काम के बात करेंगे, यदि आपका उस पर दिक्कत आ जाता है तो आप बोलते हैं दिक्कत होने लगता है मीन्स बहुत ज्यादा, तो आप बोलते हैं आप इसको छोड़ दो, मीन्स खुद वो छोड़ देते हैं। मैथ में सोल्यूशन नहीं बनने लगा तो आप क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं और पढ़ना बंद कर देते हैं। तो ये चीज आज का
एब्डिकेट, एब्डिकेट मीन्स त्याग देना और छोड़ देना। तो अब दिक्कत, अब्डिकेट अब दिक्कत, अब और डिकेट दिक्कत, अब दिक्कत आ रहा है कामों में तो एब्डिकेट कर दो, अब दिक्कत कामों में आ रहा है तो एब्डिकेट कर दो, मीन्स आप त्याग दो, छोड़ दो, हटा दो, नहीं छोड़ दो, नहीं करो। आज नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे दोस्तों, आपका सेवन वर्ड है लेकोनिक। लेकोनिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है और मीनिंग है संक्षिप्त, संक्षिप्त ब्रीफ। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप लोग किसी बहुत कोई किसी के पास भी जैसे कम, समय कम होता है, समय कम होता है उस समय हम लोग लेकोनिक बोलते हैं, मीन्स लेक समय के कम होने की वजह से हम लेकोनिक बोलते हैं, मीन्स जहाँ पे समय कम है आपको वहाँ पे भाषण दिया जाए या स्पीच करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से ब्रीफ में बोल के चले जाते हैं। इस प्रकार से लेकोनिक, लेकोनिक लेख है, लेकोनिक लेख है टाइम, तो आपके पास लेकोनिक बोलना, आपके पास मिस लेख है आपके पास टाइम तो लेकोनिक बोलो, क्या लेकोनिक बोलो, इस प्रकार से इसका ट्रिक है। नेक्स्ट है एफिट, एफिट एफिट है, एफिट 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 जो है एफिट, सॉरी एफिट, ठीक है। इसका ट्रिक है एफिट के बात करेंगे, एफिट एफिट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और इसका मीनिंग कमजोर। एफिट, एफिट मीन्स इसको, जिसके पास फैट कम होते, जिसके पास कमजोरी होते, तो किस तरह इसका ट्रिक है, इसको फैट, इसको फैट कम है इसीलिए एफिट है, इसका फैट जो है कम है इसीलिए एफिट है, एफिट है मीन्स कमजोर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है अप्राइज, अप्राइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और इसका मीनिंग है बतलाना, मीन्स इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म, प्राइज इम्प्राइज, प्राइज का ट्रिक है, प्राइज का ट्रिक है प्राइज से, प्राइज। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम लोग कंपटीशन या किसी में चले जाते हैं या किसी में चले गए हैं और वहाँ पे आपको प्राइज दिया जाए, यदि आप वहाँ फर्स्ट लाए हैं तो आपको प्राइज दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देते कि हाँ आज प्राइज ले दिए, बहुत खुशी की बात है। इस तरह से अप्राइज, अप्राइज मीन्स इन्फॉर्म करना, तो आपको प्राइज मिला तो आपने पेरेंट्स को अप्राइज किया, मीन्स इन्फॉर्म दे दिया, क्या किया, इन्फॉर्म दे दिया। नेक्स्ट है आपका लास्ट आज का वर्ड है एक्मी, एक्मी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका मीनिंग है शिखर, एक्मी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और इसका है शिखर, मीन्स एक एक करके एक्मी बन गया, एक एक करके एक्मी बन गया, इसका मतलब आपका समझ में आ गया होगा कि हम एक्मी मीन्स शिखर है, जब हम किसी वस्तु या किसी चीजों को एक एक करके या एक एक करके हम कलेक्ट करते जमा करते हैं तो वो एक एक बार वो क्या हो जाता है, शिखर बन जाता है, मीन्स शिखर बन जाता है, शिखर मीन्स ऊंचा हो जाता है, टॉप ऊंचाई हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग 10 वर्ड सीख लिए, तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं। थैंक यू, जिसका पसंद आए दोस्तों शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब मैं वीडियो को ऑनलाइन रहेंगे, वीडियो ऑनलाइन रहेगा उस समय और मैं ऑनलाइन रहूंगा उस समय। थैंक यू दोस्तों, आज का यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल मिलेंगे यही समय पे, थैंक यू।